सेवन बताओ, वन या टू? भाई नंबर ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रेशन करने पर ये बनना चाहिए, तो पहले इसका हाइड्रेशन कर दो, यानी इसमें वाटर ऐड कर दो, तो बताओ क्या आंसर बने? इसका आंसर कितना रहा? वन। आंसर की में देखना जरा कितना है, टू दे रखा है। इसका मतलब या तो आंसर की गलत है या हम गलत हैं। वैसे मैं तो बता दूं कि ये हम गलत हैं भाई। अपन जब सिंपल अल्कोहल जब बने, कार्य सेंटर तो नहीं है ये, अपन जब अल्कोहल से एल्किन बनाते हैं तो स्केलेटन चेंज भी तो होता है कार्बन का। कार्बन स्केलेटन चेंज होने का मतलब रीअरेंजमेंट भी तो होते हैं। हमने तो विदाउट रीअरेंजमेंट बना लिया, या अपन ऐसे समझें कि इसका इसमें अगर अपन डिहाइड्रेशन करेंगे, इसका अगर मैं बोलूँ आपको डिहाइड्रेशन करना है तो तुम ये कार्बोकैटायन बनाओगे नहीं बनाओगे? डिहाइड्रेशन ये कैटायन बनाओगे ना यहाँ पे, ये कैटायन बनाओगे तुम? तो कैटायन जो बना है वो रीअरेंज करके भी तो आ सकता है, यानी ये कैटायन जो है ये आपको ये कैटायन बनाना है तो ये कैटायन इससे भी तो आएगा विद रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपेंशन से भी तो आ सकता है ये। अगर ये कैटायन बनेगा तो भी तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये, यानी इसका मतलब ये कैटायन बनने का मतलब एक और अल्कोहल हो सकता है, कौन सा? फाइव मेंबर के साथ OH, ये भी तो हो सकता है। इसका डिहाइड्रेशन करेंगे तो रिंग एक्सपेंशन हो के सेम प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो आंसर कितना रहा भाई? टू। आपको रीअरेंजमेंट भी सोचना है ना, इसी क्वेश्चन को चेंज करते हुए ऐसे पूछें एक्स नंबर ऑफ अल्कोहल, ऑल अल्कोहल एंड ऑल आइसोमेरिज्म व्हेन अंडरगो डिहाइड्रेशन गिव टू ब्यूटीन एज ए प्रोडक्ट, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? Including all isomers. क्या रहा एक्स का आंसर बताओ? हाँ, इसमें अपन एक तो सिंपल वाटर ऐड कर दो, इसमें ये बनेगा ना टू ब्यूटेनॉल, इसमें कार्य सेंटर है तो दो बनेंगे ना, आर एस कॉन्फिगेशन है ना, और जब यहाँ कैटन बनाएंगे तो वो रीअरेंज करके भी आ सकता है, यानी वन ब्यूटेनॉल भी तो हो सकता है। तो इसका आंसर कितना हुआ? थ्री। रीअरेंजमेंट ध्यान रखना है अपने को। अब वाई निकालो कितना आएगा भाई? एक तो सिंपल डायरेक्ट अल्कोहल बना लो, यानी यहाँ कैटन बनना चाहिए ना, वो रीअरेंज करके आ सकता है, तो कैटायन यहाँ मतलब मिथाइल शिफ्ट कर दो, यहाँ आ सकता है ना ये, और ये टू डिग्री है तो ये रीअरेंज करके वन डिग्री से आ सकता है, ये भी तो हो सकता है, इसे वन डिग्री और देन मिथाइल शिफ्ट। अब हमको इंक्लूडिंग स्टीरो आइसोमर बताने हैं, इसका वन, इसमें ये कार्य सेंटर है ना टू, इसमें कार्य सेंटर नहीं है वन, इसका आंसर कितना रहा है? फोर। इसमें जो गलती होने के चांस थे ना डबल रीअरेंजमेंट, ये वाला दो रीअरेंजमेंट भी तो हो सकते हैं। समझ गए आप? आगे बढ़े, आ जाओ एट्थ पे। मोल ऑफ HI कंज्यूम्ड, क्या आंसर आया तुम्हारा? अच्छा बताओ, ये जो एरोमेटिक ईथर है यहाँ तो कोई मोल कंज्यूम नहीं हुआ ना अपना, और एक यहाँ अटैक किया, यहाँ हो गया कंज्यूम वन। एक ये फिनॉल जो है
इसमें तो नहीं होगा, एक ये जो एल्कोहल है यहाँ नहीं होगी, ये वन होगा, वन ऑफ वन कितने हुए हमारे पास, टू, समझ गए। इसका क्या आंसर आया, ये तो जी एडवांस का क्वेश्चन है शायद, अच्छा पहले बताओ ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर तो पता है ना, क्या है NH2 CH2 CO2H, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो एक बार कितना आएगा, कितना आ रहा है N का कितना है, अरे दे ही रखा है यार ये तो, कोई बात नहीं फिर तो क्या है 24, वैसे 75 ही है क्या पूरा 32, इसके लिए है ना इसको सॉल्व करने, इजी एडवांस का सवाल है, हाँ डेकापेप्टाइड वाला, इसमें एक ये बताओ अगर मैं ऐसे बनाऊ ना ग्लाय एंड वल, तो ये हमारा डाइपेप्टाइड है, तो डाइपेप्टाइड को अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा बताओ, ये क्या बन जाएगा ग्लाइसिन प्लस वलिन, ये बनेगा ना, अगर एक ट्राइपेप्टाइड दूं मैं ग्लाइसिन अलनिन वेलिन, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा ग्लाइसिन अलनिन प्लस वेलिन बनेगा, इसमें बताओ कितने मोल वाटर के कंज्यूम होंगे, दो कंज्यूम, ये समझ में आ रहा है, ये ट्राइपेप्टाइड है ना, ऐसे मान लो एक टेट्रापेप्टाइड लेते हैं ग्लाइसिन अलनिन वेलिन ल्यूसिन, इसका हाइड्रोलिसिस करना है तो कितने वाटर मोल कंज्यूम होंगे, तीन, इसमें कितने एमाइड है, थ्री एमाइड है ना, ये जो लिंकेज बनता है ये एमाइड से बनते हैं ना, तो जितने एमाइड है ना उतना वाटर चाहिएगा ना उसमें, ये बात समझ आ रही है, या मैं स्ट्रक्चर बना के बताऊं, ठीक है ना, तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं तुम्हें पेंटापेप्टाइड दूंगा ग्लाइसिन अलनिन वेलिन ल्यूसिन ग्लाइसिन, ये पेंटापेप्टाइड हैविंग फोर एमाइड लिंकेज है ना, तो इसमें कितने वाटर चाहिएंगे हाइड्रोलिसिस करने के लिए, चार चाहिएंगे, ये समझ में आ गया। अब हमको क्या दे रखा है, अ डेकापेप्टाइड मॉलिक्यूलर वेट, ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस गिव ग्लाइसिन एंड फिनाइल अलनिन, दो देगा है ना, ग्लाइसिन कंटेन 47% ऑफ द टोटल वेट ऑफ द हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट, तो अपने हाइड्रोलिसिस किया तो ग्लाइसिन और फिनाइल अलनिन दो बने, और उसमें से ग्लाइसिन 47% है तो बाकी का फिनाइल अलनिन है, अच्छा अलनाइन भी, सॉरी तीन है ग्लाइसिन अलनिन फिनाइल अलनिन, उसमें से ग्लाइसिन 47% है, बाकी के दोनों कोई कंपोजिशन होगा वो हमको पता नहीं है, ठीक है। अच्छा इसमें मेन बात है कि डेकापेप्टाइड मतलब कितने एमाइड लिंकेज होंगे बताओ, जैसे पेंटापेप्टाइड में चार है ना, तो इसमें 9 एमाइड होंगे, तो अब बताओ कि इसका हाइड्रोलिसिस के लिए कितने वाटर चाहिए, 9 चाहिए, उससे फिर क्या बनेगा हमारे पास ग्लाइसिन, एक बनेगा अलनिन और एक बनाएगा फिनाइल अलनिन, है ना, इसमें से ग्लाइसिन कितना परसेंट बताया 47%, और इसका डेकापेप्टाइड का मॉलिक्यूलर वेट हमको पता है कितना है 796। अब ये जो टोटल बनेगा ना इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 18 है ना पानी का, 162 हो गया, ठीक है, तो क्योंकि भाई 9 वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो गया ना इसके अंदर, तो इसका जो टोटल मॉलिक्यूलर वेट होगा वो होगा हमारे पास 796, कितना 796 ही है ना, हाँ प्लस 162, इसका 47% ग्लाइसिन होगा, तो इसका 47% डिवाइड बाय 75, तो उसकी यूनिट आ जाएगी, भाई टोटल मास इतना है ना 47% ग्लाइसिन है, ये कितना वैल्यू कितना आया, ये 796 और 896 चार और जोड़ो 958, तो 958 आया ना, ये निकालो जरा 958 का 47% कितना आएगा बताओ, 450 आया ना,
इसका 47%, इसका 47% कितना आया, 450। ये तो टोटल ग्लाइसिन का आया, हमको यूनिट चाहिए, तो ये 450 में से ग्लाइसिन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, इसको 75 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ग्लाइसिन आ जाएंगे ना, कितना आया ये 6। अब इस पूरे सवाल में है ना भाई, बाकी सब तो कैलकुलेशन वो कैलकुलेटिव कोई भी कर लेगा, बस एक ही इंपॉर्टेंट चीज थी, क्या थी, वाटर कितने कंज्यूम होंगे, क्योंकि अगर वाटर ही गलत है मॉलिक्यूलर मास ही गलत आएगा। और वैसे एक और चीज है, किसी ने मान लो वाटर गलत ले लिए तो वहां पे मॉलिक्यूलर मास गलत आएगा, तो आपको ये नहीं सोचना है कि यार आंसर नियरेस्ट ले लेंगे, जनरली जो सवाल होता है ना पहले ये सोचना नहीं यार परफेक्ट आंसर आना चाहिए, यानी अगर मतलब 75 के मल्टीपल में ही आंसर आना चाहिए, अगर ऐसा आ रहा है 460 वगैरह आ रहा है तो कुछ गड़बड़ है, क्योंकि 75 तो दे रखा है ना, ये इसके मल्टीपल में ही आंसर आना चाहिए, बात समझ गए, तो अपने को वो चेक करना चाहिए, ये नहीं नहीं राउंड ऑफ करके वो हो गया ठीक है। बड़े आगे, और ग्लाइसिन के बारे में एक और खास बात भी, सबसे छोटा मॉलिक्यूलर मास, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूलर मास एमिनो एसिड कौन सा है, ग्लाइसिन, द ओनली एमिनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ग्लाइसिन है। चलो इसका क्या आएगा, होता टेंथ का फ्यूरिनेस, एल्डोहेक्सोज है, वैसे यहां ओएच होना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं, चलो ये फ्यूरेन बनाना है, फ्यूरेन मतलब क्या होता है बताओ, 5 मेंबर रिंग, ये होता है फ्यूरेन, और पायरेन मतलब क्या होता है, 6 मेंबर रिंग, तो बताओ हमको पायरेन बनाना है कि बताओ फ्यूरेन बनाना है, फ्यूरेन बनाना है ना, तो अब फ्यूरेन के लिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 इस ओ का करेंगे इंट्रा मॉलिकुलर अटैक, तो 1, 2, 3, 4, 5 6 मेंबर रिंग बन जाएगी यार, ये तो फोर्थ का अटैक करेंगे ना फिर हम, नहीं नहीं सही, सी डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ अटैक करूँगा तो 6 मेंबर रिंग बनेगी ना, तो हमको तो बनाना है फ्यूरेन, तो इसका मतलब हमको यहाँ से अटैक करना चाहिए ना, तो 1, 2, 3, 4 और 5 कार्बन बन जाएंगे, और यहाँ पे अटैक हुआ फ्यूरेनस फॉर्म, ठीक है यहाँ बना, ये मैंने ये फिफ्थ कार्बन है ना 4 के साथ ये लगा हुआ है, फिर हमारा 3 पे OH लगा हुआ है, सेकंड पे कुछ नहीं है, फिर 1 हमारा इस पर अटैक किया तो उस पर OH और बन गया, वो अटैक करेगा तो OH बन जाएगा ना, इंट्रा मॉलिक्यूलर एडिशन, यहाँ LDH था ना ये, तो इस O ने अटैक किया पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट बाद एक OH बन गया, ये बन गया, समझ गए, इसमें कितने कार्य सेंटर हैं टोटल, 1, 2, 3, 4 यानी इसमें कार्य सेंटर हैं 4, और कोई सिमेट्री तो है नहीं इसमें, तो इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बने, जब कोई सिमेट्री नहीं है तो टोटल स्टीरियो आइसोमर 2 की पावर 4 होंगे ना, 16, और 16 में से डी कितने होंगे, आधे होंगे डी और आधे होंगे एल, क्योंकि डी कार्बोहाइड्रेट की मिरर इमेज क्या होती है, एल कार्बोहाइड्रेट, समझ गए, आगे बढ़े, यार इसका आंसर थोड़ा ना मतलब इसकी लैंग्वेज समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, टेट्रापेप्टाइड इज फाउंड बाय 4 डिफरेंट एमिनो एसिड, एक टेट्रापेप्टाइड बनेगा 4 एमिनो एसिड से, टेट्रापेप्टाइड ग्लाइसिन अलनीन वेलिन ल्यूसीन है ना, इफ वन ऑफ द एमिनो एसिड ऑलवेज ऑक्युपाई द एंड ऑफ द पेप्टाइड, एक एमिनो एसिड हमेशा एंड पे होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि ग्लाइसिन ग्लाइसिन एंड्स, यार एंड्स क्या होगा, एंड तो एक होगा ना, एक ही होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए ना, तो फिर ये तो एक तो कांस्टेंट हो गया,
अब वेरिएबल कौन हो गए हमारे तीन, कौन से, ये ए वी एल, इनके कॉम्बिनेशन बनाने तो छह ही बनेंगे। हाँ हाँ फिर तो वो, हाँ नहीं नहीं एक बार ग्लाइसिन को फिक्स किया छह, फिर ऐसे ही चारों को फिक्स किया तो 6 × 4 हो गया ना। और फिर ऐसे भी तो कर सकते हैं, ऐसे मतलब सीक्वेंस से नहीं, मतलब जी ए वी एल है और उसको एल ए वी ऐसे कर देते हैं तो वो अलग हो जाता है ना। हाँ अलग हो जाएगा, तो वो तो मैंने काउंट कर लिया ना तीनों, छह कॉम्बिनेशन वही तो बनाए, ए वी एल एल ए वी। जी तो एक तरफ ही है ना, वो तो फिक्स ही है। हाँ जी लेफ्ट में है और फिर नहीं, जी राइट में। हाँ जी राइट में है। हाँ कॉम्बिनेशन बना ली, ठीक है। हाँ और फिर जी को जब लेफ्ट में लेके जाएंगे तो नहीं नहीं जी दोनों तरफ नहीं जा सकता, नहीं बाद में इनको काम नहीं, पहले तो अपना एमिनो एसिड वाला कॉन्सेप्ट। इसमें एक और प्रॉब्लम है, इसमें ये भी नहीं लिखा है ना, टेट्रा पेप्टाइड ऐसा भी तो बना सकते हैं कि ऑल जी, अच्छा 4 different एमिनो एसिड्स। हाँ ठीक है फिर तो, ठीक है फिर 6 बने, 6 × 4 24 होगा, फिर 24 होगा, ये वन ऑफ द एमिनो एसिड ऑलवेज ऑक्यूपाइड। हाँ ठीक है एक फिक्स रहेगा तो फिर तो 6 × 4। तो 4 मल्टीप्लाई रह गया, फिर 24 आएगा फिर। ठीक है इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि एमिनो एसिड जब चेंज करते हैं ना वो सारे डिफरेंट बनते हैं, जैसे ग्लाइसिन अलनीन जी ए ए जी अलग अलग है। अगर हम ऐसे लिखते हैं ग्लाइसिन एंड अलनीन तो यहाँ एमिनो होता है या एसिड होता है, जब हम लिखते हैं ए जी तो यहाँ एमिनो होता है या एसिड होता है। भाई जब भी अपन डाइपेप्टाइड बनाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा कौन रहता है, एन टर्मिनल, और राइट हैंड साइड में हमेशा कौन होता है, सी टर्मिनल, मतलब राइट में हमेशा एसिड होगा और लेफ्ट में हमेशा एमिनो होगा। इसको क्या नाम है, जी ग्लाइसिन अलनीन। अब अगर मैं अलनीन ग्लाइसिन बनाऊंगा तो अभी ये सी डबल बॉन्ड हो गया, अल्फा पे CH2 है, और अलनीन इधर बनाऊंगा तो यहाँ अल्फा पे CH3 आएगा ना, अलग अलग होगा ना वो। मैं बना लेता हूँ, ये ग्लाइसिन अलनीन, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मैं बना रहा हूँ अलनीन ग्लाइसिन, अलनीन ग्लाइसिन बनाने का मतलब यहां अल्फा पे क्या आना चाहिए, मिथाइल, अब इन दोनों को देख के बताओ ये सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है ना ये भाई, ये एमाइड है इसके अल्फा पे CH2 है, ये एमाइड है अल्फा पे मिथाइल है, तो ये जो मैंने बनाया है अलनीन ग्लाइसिन और ये जो बनाया है ग्लाइसिन अलनीन, ये दोनों डिफरेंट है, समझ गए भाई। तो जितने भी एमिनो एसिड में जब अपन सीक्वेंस चेंज करते हैं ना वो सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं, वो कोई भी रिपीटिंग नहीं होगा।